Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss on the topic life processes. Life processes are those processes which we can say, agar hum log definition wise hai, to these are the processes that keeps the living organism in the live state and perform their job of body maintenance. So life process samajhne ke pehle mein hum log ye samajhna hai ki what is the meaning of processes. Process means these are the series of actions that is important to be carried out. So life process agar hum log bolenge to these are the series of processes that are important to take place inside the body of a living organism to keep that living organism in the live state. Usko ek living condition mein sustain karke rakhne ke liye wo life processes jo hai hamare body mein continuously kaam karte hain. So these are considered as life process. हमारे बॉडी में ऐसा बहुत सारा प्रोसेस है जो कि दिन रात व्हेन वी आर एट रेस्टिंग कंडीशन आल्सो दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बट एवरी प्रोसेसेस कैनॉट बी कंसिडर्ड एज लाइफ प्रोसेस बिकॉज सारे प्रोसेस जो है बॉडी को एक लिविंग कंडीशन में रखने के लिए ज़रूरी नहीं है. जो प्रोसेस बॉडी को एक लिविंग कंडीशन में रखने के लिए हेल्पफुल है कि दे आर इम्पॉर्टेंट तो उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे. तो देर आर सेवन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, सेंसिटिविटी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. सो दीज आर द सेवन लाइफ प्रोसेसेस दैट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ. न्यूट्रिशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो फूड इनटेक करता है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड द न्यूट्रिशन प्रोसेस. न्यूट्रिशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. एक ऑर्गेनिज्म जब तक एक लिविंग कंडीशन में है, जब तक लाइव है, तब तक तो फूड इनटेक करेगा, लिविंग कंडीशन में रहेगा. सो न्यूट्रिशन इज वन सच प्रोसेस. रेस्पिरेशन मीन्स इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन ऑक्सीजन, गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू दिस प्रोसेस. एक्सक्रिएशन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच एक्सक्रिएटेड मीन्स द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. हमारे बॉडी कंटिन्यूअसली सेल्स जो है हमारे बॉडी में कंटिन्यूस दे आर वर्किंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बाई प्रोडक्ट्स दैट आर टॉक्सिक एंड विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाई अवर बॉडी they are released out through the process of excretion. circulation is also one such life process because circulation ke through heart jo blood jo hai travel karta hai body mein, blood ke through hamare gases exchange hote hain, oxygen ja ke tissues mein pahunchta hai, tissues se carbon dioxide leke wo fir bahar release hote hai. to circulation is also an important process. sensitivity means जब तक एक ऑर्गेनिज्म एक लिविंग कंडीशन में है तो वो कॉन्शियस रहता है. द ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियस इन विच एनवायरमेंट इट इज लिविंग. सो कॉन्शियसनेस और सेंसिटिविटी बोथ आर द सिमिलर टर्म्स जिसको कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही दे आर फाउंड. देन ग्रोथ एंड देन रिप्रोडक्शन. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस एंड दे आर कंसिडर्ड एज लाइफ प्रोसेस. तो दीज आर द सेवन लाइफ प्रोसेस जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ बोल सकते हैं. देन कम्स इफ यू वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग और अ लिविंग और अ डेथ, तो उसके बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. सिंपल सा बात है, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर में ये लाइफ प्रोसेसेस को देखा जाता है उसको हम लिविंग बोलेंगे एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट शो दिस टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस आर नॉन लिविंग. सो यहाँ पे वही लिखा है, द ऑर्गेनिजम्स विच आर डेड और नॉन लिविंग दे डज नॉट शो द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस विच जनरली अकर्स विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में ये सारे लाइफ प्रोसेस देखे जाएंगे, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस जो है दे विल बी एबसेंट. देन वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज वाई इन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म देर इज नो नीड फॉर स्पेशलाइज सिस्टम. एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशलाइज सिस्टम क्यों नहीं है. इसीलिए नहीं है क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से बना हुआ. तो दीज सेल्स आर इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. तो उन लोग के बॉडी में सेल्स तो इतना है नहीं, कॉम्प्लेक्सिसिटी भी इतना नहीं है. सपोज दिस इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दिस इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. तो ईच एंड every cells are in close contact with the environment. This is the external environment, this is the interior of the organism. So each and every cell of
the body is in close contact with the environment. So as a result of which, by the diffusion process generally, सारे process जो है carry out हो जाते हैं. तो इसलिए इसमें as the body organization is simple, there is no complexity and each cell of the body are in close contact. इसलिए the various activities are carried out, like exchange of gases हो गया, removal of wastes हो गया, taking in food हो गया. Any process is carried out by the process of diffusion. So there is no need for specialized systems in the body. Now comes another question, that is, why in multicellular organism there is a need for specialized systems? So as in the multicellular organism, the complexity increases, so there is a need for specialized cells to perform a specific function. That is, division of liver is seen. इसका मतलब यह है कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है. बॉडी जो है मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है. नंबर ऑफ टिश्यूज बढ़ जाएगा. नंबर ऑफ टिश्यूज जो है दे एग्रीगेट सॉरी नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगे. तो सेल्स बढ़ जाएंगे तो सेल्स दे एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यूज. टिश्यूज भी देन अगेन फर्दर दे आर फाउंड इन मच हायर फॉर्म्स. दैट इज ऑर्गन्स विल बी फॉर्म, ऑर्गन सिस्टम्स विल बी फॉर्म. सो एज अ रिजल्ट ऑफ the complexity of the body, there is a need for the different type of systems in the body. Because यहाँ पर division of labor देखा जाए, division of labor का मतलब होता है कि हाँ ये organ जो है ये कुछ particular काम कर ले, like heart, blood vessels, ये सब जो है they are related to circulation. Excretion से related क्या है, kidney है, kidneys के अंदर में nephrons है, ureter, urethra, urinary bladder, these are all considered with excretion. रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर रिलेटेड है तो वो आएगा लंग्स, आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द नैजल कैविटी, देन ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, देन देर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैशियस टेक्स प्लेस देयर थ्रू द हेल्प ऑफ कैपिलरीज. सो डिफरेंट ऑर्गन्स आर असाइंड फॉर डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी. बिकॉज एक सिंपल रीजन के लिए, बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी इज हाई. लेकिन ये सिस्टम्स जो है दे आर नॉट इंटर मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर वी कैन से. यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर काम नहीं करेगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम विल हैव नो इफेक्ट. नो. सो ईच सिस्टम्स इन द बॉडी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर वी कैन से. येस दे हैव देयर ओन फंक्शंस बट वी कैन नॉट से दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो ये सब लाइफ प्रोसेसेस जो है, जितना भी लाइफ प्रोसेसेस एक बॉडी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो कैरी आउट होता है, दिस ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर ऑल दे ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन द बॉडी इज इन द रेस्टिंग स्टेट. जब एक ऑर्गेनिज्म स्लीपिंग कंडीशन में है या एक रेस्टिंग कंडीशन में है, व्हेन रेस्टिंग कंडीशन मीन्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज नॉट वर्किंग, व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज नॉट एक्टिव, उस कंडीशन में भी लाइफ प्रोसेस जो है हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं. सेल्स कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं. सो दीज सेल्स फॉर वर्किंग प्रोसेस टू कैरी आउट दिस वर्क दे नीड एनर्जी. एनर्जी उन लोगों को कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए. सो दिस एनर्जी कहाँ से मिलता है, इज प्रोवाइडेड बाई द फूड दैट वी टेक. द फूड दैट वी टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस फूड प्रोवाइड अस विद एनर्जी एंड दिस एनर्जी कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. So this was about the introduction part of life process. The next video will be about the different life processes like nutrition, excretion, circulation. So these are the different life processes we will discuss in the next video. Thank you. Hope you like my video.